सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने होता है 10th पास करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जितने भी जो डाउट्स होते हैं वो सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप ये एक सिंगल वीडियो पूरा देख लोगे तो इसके बाद आपको यूट्यूब पे कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में ही जो है 3 मेजर क्वेश्चंस कवर किए हैं जो हर एक 10th पास स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, सेम उनके पेरेंट्स के दिमाग में भी आते हैं। तो सबसे पहला मेजर क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी जो अधिकतर बच्चे करते हैं। देखो जब आप उन गलतियों को नहीं करोगे तभी आपको जो है एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा प्लस एक राइट करियर आप चूज कर पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि एक राइट करियर कैसे चूज किया जाता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई 10th करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यानी कि कौन कौन से स्ट्रीम्स में आप जा सकते हो। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिलेगी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चे कौन से 3 मेजर गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले वो गलती करते हैं कि वो जब भी कोई कॉलेज या कोई भी कोर्स या स्ट्रीम चूज करते हैं तो वहां पर वो अपने दिल की नहीं अपने दोस्त की सुनते हैं या अपने रिश्तेदार की सुनते हैं। तो ये सबसे बड़ा गलत है क्योंकि देखो सिंपल सी थिंग है, कोई भी दोस्त लाइफ लॉन्ग आपके साथ नहीं रहेगा और कोई भी रिश्तेदार की बातें लाइफ लॉन्ग आपके साथ नहीं चलने वाली। तो करियर चूज करते वक्त आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। इन 3 चीजों को पहले आपको चेक करना है और उसके बाद आपको करियर चूज करना है। आप राय सबकी लो लेकिन आखिर में डिसीजन वो लो जो आपके लिए आइडियल है। सेकेंड मेजर गलती जो बच्चे करते हैं, उनके पेरेंट्स भी करते हैं, वो ये है कि भाई आप स्ट्रीम या कह लो ब्रांच इस बेसिस पे लेते हो कि किसमें ज्यादा पैसा है। देखो पैसा हर इंडस्ट्री में है, पैसे कमाने के सिर्फ 2 ही वे हैं, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है राइट पाथ। तो अगर आप ये दोनों फॉलो करते हो तो किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आप वहां पे पैसे कमा लोगे। तो कभी भी ये सोचकर मत लो कि भाई हमारे घर में ये इंजीनियर है, इसकी सैलरी इतनी है तो मैं भी ये कर लूंगा तो मेरी सैलरी कितनी होगी। बिल्कुल नहीं, वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है उस चीज के अंदर तो 100% करो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट पैशन किसी और चीज में है तो आप वो और चीज जो भी आपकी XYZ है उसे सिलेक्ट करो, इसलिए मत जाओ क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा है। इसमें आपको आपका इंटरेस्ट और पैशन है उसमें आप इतना पैसे कमा लोगे कि आपने कभी आपके दिमाग में भी नहीं सोचा होगा। तो हमेशा वो करियर चूज करो जहां पे आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन है, ना कि वो जहां पे पैसा ज्यादा है इसलिए वहां पे जा रहे हैं जबकि वहां पे कोई रुचि नहीं है। तीसरी जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये है कि भाई मैंने मेरे बचपन में देखा था कि एक सपना कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा या मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, इसीलिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये एकदम गलत है। आपने बचपन में क्या सपना देखा, क्या वो आज भी वही है? देखो दो चीजें होती हैं, आप फाइंड आउट करोगे खुद में तो ये पता चल जाएगा। जस्ट लाइक आपने जो है मान लेते हैं 6th में सपना देखा कि आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो आज आप जब 10th में पहुंचे हो तो क्या आपने उतना ही पैशन है कंप्यूटर इंजीनियर का? क्या आपने खुद से कंप्यूटर इंजीनियर बनने की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्लोर की, लाइक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने खुद से सीखी? क्या आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए क्या स्टेप बाय प्रोसीजर है? अगर आपके दिल में ये सब कुछ आता है तो इट मीन्स यू शुड परस्यू इट। अगर आपने लाइक 6th में एक सपना देखा डॉक्टर बनने का, 10th में आने के बाद आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सिर्फ उस वक्त सोच लिया था इसीलिए आप मैं कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मत करो। अगर आपके इंटरनली आता है कि यस है मुझे ये करना है, आपने जो है खुद से सेल्फ एक्सप्लोर किया उस पर्टिकुलर ब्रांच उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को, तो इट मीन्स आप सीरियस हो उसको लेकर, तो आप 100% उसे परस्यू करो। लेकिन आपके अंदर से नहीं आ रहा है, आप सीरियस नहीं हो उस चीज को लेकर, तो आप मत करो। आप फाइंड आउट करो पहले कि मैं किस चीज को लेकर सीरियस हूँ, किस चीज में मुझे मेरा करियर बनाना है। तो ये 3 मेजर गलतियां जो है बच्चे करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें करियर ऑप्शन कैसे चूज करना चाहिए। देखो करियर ऑप्शन चूज करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हम खुद के एबिलिटीज के बारे में जाने, यानी कि खुद के स्ट्रॉन्ग और खुद के वीक पॉइंट्स के बारे में जाने।
अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ ना कि भाई जाओ अपने दो दोस्त के बारे में बताओ इसका पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, आप 2 मिनट में फट 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 बता दोगे। यही अगर मैंने कहा कि भाई आप आपके बारे में बताओ, आप नहीं बता पाओगे, आप बहुत टाइम सोचोगे फिर उसके बाद जो है आप बताओगे। तो यहाँ पर आपको जो है शांत दिमाग हो चाहिए, तो कोई आपके गार्डन में जाओ, वहाँ अकेले पेड़ के नीचे बैठो, शांति से सोचो कि यार मुझ में क्या है ऐसा, मतलब जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और मेरे वीक पॉइंट्स हैं। जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे ना, तो उस वक्त आपको ना आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं, मर जाते हैं, लेकिन तब भी उनको ये नहीं पता चलता कि मुझ में क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या मेरा वीक पॉइंट है। तो आपको जो है पहले आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट फाइंड करने हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फाइंड कर लोगे, तो अब आपको ये पता चलेगा कि यार ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसके अंदर मुझे और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए, इसमें मैं अपना करियर बनाऊंगा। तो पहले अपने बारे में जानो कि मेरा दिमाग कितना चलता है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट हूँ। कई हर बच्चा जो है कंप्यूटर इंजीनियर के लिए नहीं होता, ऐसे ही हर बच्चा जो है फोटोग्राफी के लिए नहीं होता, हर बच्चा जो है हर एक चीज़ के लिए नहीं बना होता, लेकिन हर एक बच्चे में कुछ ऐसी स्किल होती है जिसको वो अगर यूज करे तो उससे अच्छा कोई और नहीं हो सकता। तो आपको आपके अंदर के स्किल्स को फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि भाई हमें खुद के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये आती है कि भाई आपको जो है आपका एम मिल जाएगा। जब आप खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा एम है, मुझे ये बनना है। तो आप उस पर्टिकुलर थिंग को, जो भी आपका लाइक कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी नॉलेज आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ आपको जो है अब एक्वायर करना होगा। स्किल्स कैसे एक्वायर कर सकते हो, लाइक प्रोग्रामिंग में आपको अच्छा बनना है, तो एक एक प्रोग्रामिंग आप सीखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप प्रोग्रामिंग में होशियार बन जाओगे। ऐसे ही हर एक चीज का होता है। तो अब आपको जो है स्किल्स को एक्वायर करना है। जब आपने आपका खुद का एनालिसिस किया, तो आपको ये समझ में आया कि ये मेरे वीक पॉइंट है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेज में जब आपको ये पता चला कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो मुझे ये मेरा करियर चूज करना है, तो उस गोल को एक्वायर करने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होगी। थर्ड स्टेज आता है, वो है जो भी आपने गोल बनाए हैं, अब उसे अचीव करते रहो। कई बच्चे होते हैं जो बीच में भाग जाते हैं, कई बच्चे होते हैं वो कर रहे होते हैं लेकिन उसको लेके सीरियस नहीं होते हैं। तो आप जो भी गोल लिख रहे हो उसको अब अचीव करो, तो अचीव कर सकते हो कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस की हेल्प से ही। सो गाइस, और एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर अभी आपने 10th पास किया है और अभी आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका जो डिप्लोमा का एडमिशन फॉर्म होता है वो हम आपको फिल करके दे सकते हैं। आपके एग्रीगेट परसेंटेज, आपकी कास्ट कैटेगरी और आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट आइडियल कॉलेजेस होंगे जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है, वो कॉलेज लिस्ट हम आपको ऑफर करते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हम आपको लाइव कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं, जहां पर हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं कॉलेज के बारे में, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपकी जो सीट है वो बुक कर सकते हो। अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई कौन कौन से ब्रांचेस और स्ट्रीम्स आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होती हैं जब आप 10th पास कर लेते हो। तो ये सबसे पहले आता है 11th 12th, जहाँ पे अधिकतर बच्चे जो है 11th 12th में जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनके सामने आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, इस हिसाब से जो है उनके सामने 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। सेकंड आता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, थर्ड आता है प्रोफेशनल कोर्सेज, फोर्थ आता है ITI एंड फिफ्थ आता है अदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो ये कुछ 5 जो है आपके सामने जो है स्ट्रीम कह सकते हो या करियर ऑप्शन होता है, जिसमें से आप कोई एक सिलेक्ट करते हो। अब हम एक एक का डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11th 12th के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है जा रहे होते हैं। तो जब आप 11th 12th में जाते हो, तो आपको जो है किसी एक स्ट्रीम को चूज करना होता है, या तो आप साइंस चूज करोगे, या तो कॉमर्स, या तो आर्ट्स। तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, जो एक विचारधारा है हमारे सोसाइटी में, वो ये है जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो साइंस चूज करेंगे, जिनके मीडियोकर मार्क्स हैं तो वो कॉमर्स चूज करेंगे, और जिनके बहुत कम मार्क्स हैं तो वो आर्ट्स चूज करेंगे। तो ये जो विचारधारा है ये एकदम गलत है। आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रीम या कोर्स चूज करना है। तो अब यहाँ पे जब आप साइंस चूज करते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर भी अब 2 थिंग्स आ जाती हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे PCM
और अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आपको चूज़ करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि ये तीन सब्जेक्ट आपके मैंडेटरी होते हैं। साइंस आप तब लो जब आपको लाइक कंप्यूटर इंजीनियर या कोई भी टाइप का इंजीनियर आपको बनना है तो आपको साइंस चूज़ करनी चाहिए, या आपको मेडिकल में जाना है तो आप साइंस चूज़ कर सकते हो, आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंस चूज़ कर सकते हो। तो आपका अगर इंटरेस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो आपको साइंस चूज़ करना है। नेक्स्ट आता है कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स चूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट देखने मिलेंगे वो होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अगर आपको कॉमर्स चूज़ करना है तो आपको जो है आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अकाउंट रिलेटेड बहुत सारा वर्क होता है। अगर आप आगे जाकर CA, ICWA, बिजनेस जैसा कुछ करना चाहते हो तो आप कॉमर्स चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्ट्स। अगर आप आर्ट्स चूज़ करते हो तो आपको जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये वो सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके सामने होंगे जब आप आर्ट चूज़ करते हो। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है, आप साइंस चूज़ करो, कॉमर्स चूज़ करो, आर्ट, जो भी आप चाहो, लेकिन आप पहले खुद का एक एनालिसिस कर लो कि भाई आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप साइंस चूज़ करो, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, CA बनना है तो आप कॉमर्स चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको जो है आगे जाके कुछ आर्टिस्ट ऐसा कुछ बनना है, फिलोसफी, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट ऐसा कुछ बनना है तो आप आर्ट चूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम ये देख लेते हैं कि भाई अगर आप 11th 12th कर लेते हो तो उसके बाद आपके सामने करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप साइंस से पास आउट होते हो 11th 12th साइंस से करके, तो उसके बाद जो है आप एक डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, एक साइंटिस्ट बन सकते हो, मेडिकल लाइन में जा सकते हो, केमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा सकते हो, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री हैं। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है 11th 12th के बाद में, तो आपको JEE की एग्जाम जो है क्रैक करनी होगी, JEE मेन एंड JEE एडवांस। और अगर आपको जो है डॉक्टर बनना है तो आपको जो है CET एग्जाम जो है क्रैक करनी होती है। नेक्स्ट कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो वो होते हैं बैंकिंग सेक्टर, बिजनेसमैन, CA, ICWA आप क्रैक कर सकते हो तो आप CA, ICWA बन जाओगे, अकाउंटेंट, मैनेजर, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से ये कुछ हैं। नेक्स्ट आर्ट्स की अगर हम बात करें तो आर्ट्स अगर आप करते हो तो आप लॉयर, जज, आर्टिस्ट, प्रोफेसर, UPSC, MPSC एग्जाम के लिए भी आप अपीयर कर सकते हो। अगर हम बात करें UPSC, MPSC, तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स का बच्चा ही सिर्फ दे सकता है, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट UPSC, MPSC एग्ज़ाम को अपीयर कर सकता है, फिर वो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का, और डिप्लोमा को, कोई भी स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए UPSC और MPSC एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं दूसरी करियर ऑप्शन के बारे में, तो वो है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। तो ये वो बच्चे करते हैं जिनका जो है फिक्स्ड एम है कि भाई मुझे आगे जाके कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो अगर आपका एम क्लियर है कि यस मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है और इस डोमेन में इंजीनियरिंग करनी है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो डिप्लोमा के कुछ पॉपुलर ब्रांचेस हैं, वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर होती है सिविल इंजीनियरिंग, फिर होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर लास्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये वो पॉपुलर ब्रांचेस हैं जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, लाइक 75% जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन्हीं 6 ब्रांचेस में से जो है किसी एक ब्रांच में जा रहे होते हैं। और अगर टॉप 2 ब्रांचेस की बात करें तो आपको जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 2 टॉप ब्रांचेस जो है देखने मिल जाएगा। सो गाइस, अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के अंदर, तो वो आती है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, मैराइन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और भी बहुत सारे जो है अदर ब्रांचेस होते हैं। तो जो आपका सिलेबस होता है डिप्लोमा में, वही लगभग लगभग 80-90% सेम सिलेबस जो है इंजीनियरिंग में होता है। और जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपको डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, वहीं जब आप 11th 12th करके जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपको JEE की एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ती है, वहीं जब आप डिप्लोमा करते हो तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती। तो अगर आपको पता है कि यस मुझे इंजीनियरिंग करना है और इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करना है, तो आप डिप्लोमा जो है चूज़ कर सकते हो। अगर हम नॉर्मली देखें तो अगर आप डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हो तो आपको जो है जूनियर इंजीनियरिंग की जो है पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकती है, और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 15-25,000 के बीच में होगी, और आप कई जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। तो आप जो है थर्ड आपके सामने आफ्टर पासिंग 10th, तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हो, जैसे कि डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजेनिस्ट, पैरामेडिकल कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट,
एंड डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड डिज़ाइन। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो है एन नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, तो उनमें से ये जो है कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म के अंदर, तो आप जो है डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन होटल स्टोर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, तो आप इनमें भी जो है कोर्सेज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है वो है ITI कोर्सेज। तो अगर आपको जो है शॉर्ट टर्म में कोई कोर्स कंप्लीट करना है लाइक 1 से 2 साल के अंदर, और फिर आपको जल्दी से जो है पैसे कमाना स्टार्ट करना है, तो आप जो है ITI कर सकते हो। तो ITI बेसिकली 1 से 2 साल का कोर्स होता है। तो इसके अंदर जो पॉपुलर ITI कोर्सेज हैं वो ये है, इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज, प्लम्बर कोर्सेज, वेल्डर कोर्सेज, मैकेनिक कोर्सेज, ड्रेस मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर, टूल एंड डाई मेकर, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, रेफ्रिजरेटर इंजीनियरिंग। तो आप इनमें से जो है कुछ कोर्सेज कर सकते हो। ये आपको तब करना है अगर आपको बहुत जल्दी जो है कोई कोर्स कंप्लीट करना है, सर्टिफिकेट चाहिए और बहुत जल्दी आपको जॉब पे लगना है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें सैलरी बहुत कम होती है, लाइक आपको 15 to 25,000 की बेसिक जो है इसमें आपको सैलरी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन के बारे में, तो वो है अदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो अदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंदर आता है DTP, टैली, साइबर सिक्योरिटी, वेब डिज़ाइन, इवेंट मैनेजमेंट, एनिमेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये जो बेसिकली जो कोर्सेज ये 6 महीने से 1 साल के टाइम पीरियड के बीच के कोर्सेज हैं, और इसमें जो है आप खुद से जो है लर्न कर रहे हो, तो लाइक किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ पे इन कोर्सेज को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसमें भी आप आपका करियर बना सकते हो। तो ये थे ओवरऑल कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस एंड करियर ऑप्शन जब आप 10th पास कर लेते हो जो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो। सो गाइस, होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके जो डाउट्स थे करियर को लेकर, स्ट्रीम्स को लेकर आफ्टर पासिंग 10th, तो इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर एक जो डाउट होंगे उसकी ट्राई करूँगा, उसका आंसर दूँ। और अगर आपको जो है डिप्लोमा करना है, आप डिप्लोमा के लिए आपको एडमिशन लेना है, तो हम आपका जो है एडमिशन फॉर्म फिल करके देते हैं। हम आपको आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट और लोकेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट जो कॉलेजेस हैं हम आपको वो सजेस्ट करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे 1-to-1 लाइव कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप अभी जाकर जो है अपनी सीट बुक कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।